छत्तीसगढ़ के जशपुर में आरोपी लेडीज टेलर मास्टर पहले तो युवतियों को प्यार के झांसों में फंसाता है, फिर दुष्कर्म करता और अश्लील वीडियो बनाकर उन्हें ब्लैकमेल करना शुरू कर देता। जानकारी के मुताबिक बगीचा क्षेत्र में खुशबू टेलर्स के नाम से लड़कियों के कपड़े सिलने की दुकान है। बुधवार शाम को वहां कुछ युवतियां और महिलाएं पहुंच गईं। उन्होंने दुकान में काम कर रहे महबूब आलम को चप्पल से पीटना शुरू कर दिया। इस दौरान वह विरोध करता रहा, लेकिन महिलाएं गुस्से में कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं थी। इस पूरी घटना का महिलाओं ने वीडियो भी बनाया और उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। महिलाओं का आरोप है कि महबूब आलम लड़कियों का धर्म देखकर उनके आसपास घूमता है, उन्हें अपने प्यार के जाल में फंसाता है, फिर शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाता है। इस दौरान आरोपी ने युवतियों का मोबाइल से वीडियो भी बना लिया। जब युवतियों को महबूब की असलियत का पता चलता है तो चाहकर भी वे उसके चंगुल से नहीं निकल पाती हैं। आरोपी अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी देकर उन्हें ब्लैकमेल करता रहता था। इस मामले में दो युवतियों ने आरोपी महबूब के खिलाफ थाने में शिकायत भी दर्ज कराई है, जिसमें एक युवती ने बताया है कि आरोपी 7 सालों से उसका शारीरिक शोषण कर रहा है। वहीं एक अन्य महिला ने पुलिस को बताया है कि बदनाम कर देने की धमकी देकर आरोपी 10 सालों से उसका शारीरिक शोषण कर रहा है। बगीचा थाना प्रभारी ने बताया कि आरोपी अपने पिता के साथ टेलर दुकान का संचालन करता है, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। इलाज करने दीजिए, बहुत इसका मजान से ब्लैक मेलिंग। छत्तीसगढ़ की सभी खबरें देखने के लिए देखते रहिए छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस न्यूज। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।